Hello students, today we are going to see the grammar part of our chapter, that is good neighbors. Okay, good neighbors का जो lesson है उसका जो grammar part है हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर, वो आज हम लोग देखने वाले हैं. Okay students, read these sentences. Jack got a bucket and collected everything he needed to decorate his snowman. Nako's mother helped her put on her winter clothes and promised to watch her from the window. Now see these words that are written in the red color to highlight them. They are the past tense. ED form is the past tense. Past tense means the action which is already been take place, took place, है ना. जो बात हो चुकी है उसको जब हमें बात करनी है तो हम लोग past tense use करते हैं. The highlighted verbs tells us the sentences are in the simple past tense. Not all verbs have formed the past tense with ed. हर किसी को हम लोग ed लिखकर ही past tense नहीं बनाते हैं, तो कहीं कहीं पर past tense का past tense use करना है तो हमें वर्ड में बहुत चेंजेस भी लाने पड़ते हैं. जैसे कि अवेक अवोक, बीट बीट. अब यहां पर देखो आप लोग, यहां पे कोई चेंजेस नहीं है. ब्रिंग ब्रॉट, बिगिन बिगेन, चूज चूज, ड्रिंक ड्रैंक, कट पुट, बाइट बिट. ओके, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, और जहाँ पर चेंजेस है वो आप लोग देख रहे हो. तो इसी तरह हमें अभी जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है उसके पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस लिखना है. पास्ट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हमें उसे कन्वर्ट करना है वर्ब्स को. रैन रन, थ्रू थ्रो, कॉट कैच, वॉन विन, सैंग सिंग, रीड read, saw see, went go, kept keep, heard hear, spent spend, wrote write, wore wear, led lead, meant means, bought bring. ये आपको आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है. ठीक है, तो पहले आप लोग टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है इन अ गुड हैंडराइटिंग एंड विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको लिखते वक्त. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. That is, Nako made lemon juice yesterday. Complete the gaps by using the past form of the verb in the bracket. Bracket में जो verb दिया हुआ है उसका past form लिखना है आपको. ठीक है, First I filled a jug with 2 glasses of water. Then I took, take up, past tense क्या है, took a lemon and cut into halves. I removed the seeds and squeezed. स्क्वीज्ड मतलब जब अपन लींबू जो होता है लींबू को हम लोग कट करते हैं और फिर उसको निचोड़ते हैं ना, उसमें से जो उसका जूस होता है वो हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वीज्ड योर जूस इनटू द जग. देन आई एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आफ्टर स्टरिंग इट थरली आई पोर्ड द जूस इनटू द ग्लासेस. ओके, तो यहाँ पे जो ये वर्ब्स है उसका पास्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज करना है. तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द प्रीपोजिशन. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ अ थिंग. पोजिशन मीन्स मतलब क्या, जो चीज कहाँ पर है, जैसे कि ऑन, अगेंस्ट, अंडर, इन, आउटसाइड, बिटवीन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस. ओके, नाउ हियर इज गिवन द प्रीपोजिशंस इन द बॉक्स एंड द कमेंटर अरुण इज प्रोवाइडिंग कमेंट्री फॉर द क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच के दौरान जो बोलते रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग
कमेंट्री है ना, आप लोगों को क्रिकेट मैच देखते हो ना, तब दो लोग वहां पर बोलते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं कमेंटर. बिटवीन क्लास 4A एंड 4B फिल इन द ब्लैंक्स इन द कमेंट्री विद द प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो हमें पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करके आपको वहां पर फिल करना है. इट इज अ क्रिकेट सीजन अगेन एट गांधी स्टेडियम. कहाँ पर है? एट गांधी स्टेडियम. ओके, तो एट इज अ प्रीपोजिशन. वी आर गैदर्ड हियर टू वॉच द मैच ऑफ. किसकी मैच देखने के लिए? ऑफ क्लास 4A एंड 4B. द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स. द मैच विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स. द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स हैव अराइव्ड टू द सेंटर. क्या लिखना है आपको इसको? अराइव्ड टू द सेंटर. ओके, सेंटर ऑफ द फील्ड. बिटवीन फील्ड नहीं है यहां पर. यहां पर आपको क्या लिखना है? ऑफ द फील्ड. द अंपायर ऑफ द मैच वॉ आर ऑल्सो बिटवीन दैम. क्लास 4A हैज वॉन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट. द ओपनिंग बैट्समैन हैज टेकन हिज पोजिशन टूवर्ड्स. क्या लिखना है? टू वर्ड्स. Towards the wicket. The wicket keeper is before him, ready with a catch. The bowler balls from the other side to the pitch. He delivered the ball over the batsman. Towards the batsman. Okay. Towards the batsman. The batsman hit the ball and it got hurtling behind the crease to the next wall. The batsman hits the ball for a six. The ball goes over the boundary. The crowd cheers for class 4A. Okay students, तो इस तरह आपको ये वाला पार्ट भी लिखना है. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर कंपाउंड वर्ड्स. जैसे कि स्नोमैन, स्नो प्लस मैन. स्नोबॉल, स्नो प्लस बॉल. नाउ वी विल डू द मैच द कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. वेदर मैन, ब्लैक बेरीज, व्हील बैरो, हेड एक, आई विटनेस. ओके, a verb can take a different meaning when the combined with different preposition. This combination is called the phrasal verb. Phrasal verb किसको बोलते हैं? जब जो verb होता है वो अलग जगह पर अलग meaning लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं phrasal verb. Pick up, walk into, put on are the example of phrasal verbs. Look at the different meaning of the phrasal verbs with put. Put on. Put on मतलब क्या होता है? To wear something. Put on your shoes. Put on your socks. Like this. Okay. Put away. To store for future use. Put away your books. Put away your extra pencils. मतलब हम लोग बाद में उसको use करेंगे. Put out. Put out मतलब to extinguish. किसी चीज को बुझा देना, उसको बोलते हैं put out. Put off, to delay doing something. Put up, to build something such as a wall, fence or a house. Put in, to spend a certain amount of time doing something. मतलब आपने उस चीज में वक्त गुजारना. Put in, put up, okay? Put off. Now here is the verb. We have to do this exercise by using the phrasal verbs. The concern has been put off until next month. We put on warm clothes in the winter. I put away the dictionary. The neighbors put out the fire before the fire fight came. John put up a fence around the ground. She has put in a lot of effort in the
प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, देयर इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एन एपोस्ट्रॉफ, एन एपोस्ट्रॉफ इज यूज टू द नाउन टू शो पोजेशन, टू टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। एपोस्ट्रॉफ हम लोग काय के यूज करते हैं कि ये चीज किसको बिलोंग कर रही है उसके लिए। जैसे कि जैक्स यार्ड, मतलब यार्ड किसका है, जैक का है। नैकोज मदर, मतलब मदर किसकी है, मदर हु बिलोंग्स टू नैको, है ना। हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड पजेसिव नाउन्स, इनको हम लोग पजेसिव नाउन्स बोलते हैं। जब हम उसे एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मतलब किसी भी नाम को, आप समझो नेहाज बैग, नेहा की बैग बोलनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ। ओके, नेहाज बैग, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, नेहा की बैग, बैग बिलोंग्स टू नेहा। ओके, नाउ रीराइट द सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द मिसिंग एपोस्ट्रॉफ व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहां पर देखो, अंजनाज वर्क इज क्वाइट नीट, तो अंजना, अंजना का, तो एस और ए के बीच में आपको क्या डालना है, एपोस्ट्रॉफ डालना है, ठीक है। रोहित प्रोजेक्ट वॉज एक्सेलेंट, द मैंस वैलेट हैज फॉलन फ्रॉम हिज पॉकेट, आई लव माई मदर्स कुकिंग, यस्टरडे आई वेंट टू माई डैड्स ऑफिस, रघुज डॉग इज अ डॉबरमैन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इस तरह आपको आपकी बुक कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।